दोस्तों नए दिन की शुरुआत करते हैं और नई वीडियो के साथ। जय भोले जय शंकर। तो भी अभी मैं रास्ते में हूँ और आज से हमारी जो लद्दाख सीरीज है वो शुरू हो रही है। मेरा पहला दिन है और सूर्या भी साथ में आया, तो उसका दूसरा दिन है। वो कल फरीदाबाद से चला था। फरीदाबाद से मेरा घर जो है 96 किलोमीटर के आसपास में है। तो भाई अभी तकरीबन अभी हम 2 किलोमीटर चल चुके हैं और आज काफ़ी लेट हो गए। घर से निकले थे 8 बजे यार। पैकिंग वैकिंग सामान बांधना साइकिल पे सब कुछ ऐसा, मतलब ये था कि भाई 6 बजे निकलना था लेकिन बहुत लेट हो गए। खाना वाना खाया सब कुछ हो गया और अभी देखते हैं भाई कितना किलोमीटर चलेंगे भाई एक दिन में। ये मेरी टार्जन है जिसमें मैंने कल बोर्ड बनवाया था भाई, ये ट्रैवल विदाउट पैसा मूर्थल से लद्दाख। इस पर एक स्लोगन लिखवा रहा था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और ये मेरा चैनल का नाम है ट्रैवल विदाउट पैसा। और एक छोटा सा आइकन लगवा लिया मैंने ये साइकिल वाला। और ये है अपनी टार्जन, देखो इसमें बैग वैग है, एक बड़ा बैग है, इसमें चप्पल वगैरह डाल रखी है, एक छोटा बैग जिसमें लैपटॉप है, छतरी है, मतलब सारा सामान ले रखा है और पानी की बोतल ले रखी है। और आगे है स्लीपिंग बैग और एक और है ये मेरा पोस्टर, ऑल इंडिया ट्रैवल भारत यात्रा, सब्सक्राइब करें ट्रैवल विदाउट पैसा। और ये खड़ा है सूर्या भाई, इसकी साइकिल एकदम तैयार है। इसने इसका क्या नाम रखा है, क्या नाम रखा है नाम कल रखा था इसका, क्योंकि धन्नो है जो बाबा साइकिल है, साइकिल बाबा उसकी साइकिल का नाम है धन्नो। और इसने बोर्ड लगवा बनवा रखा फरीदाबाद से लद्दाख SPD व्लॉग चैनल का नाम है। एक कैन ले रखे भाई पानी के लिए, आगे ऐसा सुनने में आया है कि 80-100 किलोमीटर के एरिया में पानी नहीं है, पर देखते हैं ऐसा होना नहीं चाहिए यार। तो ये अभी हम आ चुके हैं मेन हाईवे पे। पहले हम निकल के आ रहे थे गाँव में से और हाईवे का ये पहला पुल है जिससे हमने चढ़ाई की है। अभी एक टोपी मिली है पूरे टांगली इसके स्लीपिंग बैग के पीछे। और भाई गर्मी बहुत भयंकर होती जा रही है। गर्मी में जब आपको प्यास लगती है और आपको दिख जाता है पेट्रोल पंप, तो आप इसी उम्मीद में उसमें जाते हो कि भाई ठंडा पानी मिलेगा। और जब आप देखते हो कि भाई पानी ठंडा नहीं है, नॉर्मल है, फिर क्या, फिर तो मजबूर में पीना पड़ता है कि भाई अब जैसा भी हो पीना तो है, क्योंकि अगला पेट्रोल पंप पता नहीं भाई कितनी दूरी पर होगा। और सूर्या जा चुका आगे और मुझे लगी थी प्यास भाई, तो पानी पीने लग गया था। तो यहाँ पे नॉर्मल पानी था, ठंडा नहीं था। मैं तो इसलिए आया था कि भाई ठंडा पानी मिलेगा, लेकिन नॉर्मल था भाई। धूप ने तो हालत ख़राब कर दी। वो तो सूखा रहा कि पेट्रोल पंप आ गया, नहीं तो जितने भी पुल आ रहे हैं ना सबके ऊपर से आ रहे हैं, क्योंकि भाई जल्दी पहुँच जाएंगे। और नीचे से भी आए थे लेकिन आगे ना भीड़ भाड़ बहुत रुकी, तो काफ़ी टाइम लग गया, वहाँ पर गड्ढे भी आ गए थे, तो इसलिए पुल यूज़ कर रहे ज़्यादातर। और पुल आ गया था, फिर ये पेट्रोल पंप दिखा, तो पुल पे भी जाएंगे नहीं, पहले पानी पियेंगे फिर जाएंगे वापस पुल पे। ओ भाई कितनी गर्मी है यार भाई, इतनी लंबी लाइन लगी हुई है, हलवा पूरी और सब्जी बट रही है भाई। मेरी थाली में है तो पूरी, हलवा और सब्जी, अरे तो खा लेते हैं यार, भूख लग गई है बहुत ज़्यादा भाई। गुरुद्वारे में लंगर खा के ना मज़ा आ गया। एक बार लेके आया था वो ख़त्म किया, दोबारा फिर लेके आया, और अब आते हुए भाई चावल बन गए थे, चावल भी और मीठा पानी ले लिया था, पर भूख नहीं थी ना तो चावल इसलिए नहीं खाए। हाँ 1 बज गया और अभी तक हम सफ़र कर रहे हैं। 1 बज गया तो पैरी और करनाल बचा हुआ यहाँ से 32 किलोमीटर भाई, पूरी तो पैरी हो चुकी है भाई। अभी टाइम हो चुका है 1:22 और अभी तक हम अपना सफ़र कर रहे हैं। वो बहुत तेज है लेकिन हवा चलती है ठंडी ठंडी, इसलिए सफ़र कर रहे हैं। अगर हवा नहीं चलती ना तब तक तो हम कहीं पे आराम कर रहे होते, सो रहे होते, पर थोड़ा आगे जाके आराम करेंगे भाई। ऐसे ऐसे बहुत सारे पुल आए पर अब हार मान गए कि भाई पुल से नहीं जाएंगे, क्योंकि पुल ये काफ़ी लंबा जा रहा है, देखो वहाँ पे घुमा हुआ है। हमने सोचा यार नॉर्मल जो रोड है ना इससे ही चलते हैं, पैर भी नहीं थकेंगे और पानी मिलता रहेगा, बस सबसे बड़ी बात। तो भाई अभी टाइम हो चुका 2:27 और धूप काफ़ी तेज़ हो गई थी, तो हमें लगा यार अब आराम कर लेना चाहिए, इतनी दोपहर में साइकिल चलाएँगे बीमार बीमार हो गए तो रुक गए। और जहाँ रुके ये भाई रिलायंस का पेट्रोल पंप, तो मैंने पहले परमिशन लेके भाई यहाँ पे रुक जाए, तो भाई ने बोल दिया कि भाई रुक जाओ। और पीछे खड़ी है टार्जन भाई, ये हवा इतनी तेज चली थी एक बार तो गिर गई। इतनी
तेज गिरी भाई वो साइकिल, मैं मतलब एक मिनट के लिए मैं सोचता रह गया अरे हुआ क्या। फिलहाल मैंने उसको उठा दिया, बोतल बोतल अलग हो गई और अभी भाई आराम करेंगे, जैसे ठंड होगी तो निकल जाएंगे आगे। देखने को मिलेगी, एक और आ रहा पीछे, डरा रहे है भाई। तो भाई अभी जा रहे हैं कुछ छत्तों की तरफ, 2:30 बजे हम रुके थे आराम करने के लिए और 4 बजे हम निकल गए क्योंकि आगे का जो सफ़र है अभी काफ़ी बचा हुआ है। तो रास्ते में जैसे हम फ्लाईओवर से आ रहे थे ना, तो एक कैब मिल गई थी, मुझे मिली थी, मैंने स्टूडियो को बताई भाई कैब है रखी हुई है यहाँ पे, उसने उठा ली अब उसने फिर वो गिरा दी, अब वापस जा के लेके आया है। तो भाई 1 घंटा ही भी हमने साइकिल चलाई है और हम रुक गए हैं चाय पीने के लिए क्योंकि घर से ही पी के निकले थे, तो रास्ते में भी एक स्टॉल दिख गई है तो चाय पी के फिर आगे जाएंगे, देखते हैं भाई कितना सफ़र बचा है। ओ भाई इतनी गर्मी, क्योंकि हरियाणा में कहावत है अब तो ऐसे हर जगह होगी कि गर्मी को गर्मी काटती है, तो भी गर्मी है और रखती है, चाय पियेंगे गर्म गर्म फिर जाएंगे आगे। ये मेरी चाय, मेरा छोटा फैन, अब इसको ऐसे डबोएंगे, इसको निचोड़ेंगे और खा जाएंगे। ये जो फ्लाईओवर है ना, जाने वाले थे इसके ऊपर से लेकिन पता नहीं क्या हुआ एकदम नीचे आ गए, नीचे आने के बाद भाई देखा इस पर जो चित्रकला बना रखी है ना, इतनी खतरनाक बना रखी है, एक से एक उधर अघोरी भी है, 2-3 अघोरी है वहाँ पर, और ये मतलब पता नहीं कितनी दूर तक गया वो फ्लाईओवर, और जहाँ तक दिख रही है नजर जा रही है वहाँ तक बना रखी है। और अभी सूर्य ने लिया है, ये लिया लच्छा कुल्फी, ये वाला जो इस पर है ना, ये वाला है, ये लिए है 2, मैंने नहीं लिए भाई, इसने लिए 2, एक मेरे लिए एक खुद के लिए। भाई अभी टाइम हो चुका है 7:30 और अब हम देख रहे हैं कहीं पे रहने की जगह, कोई गुरुद्वारा मिल जाए, मंदिर धर्मशाला, तो पीछे गुरुद्वारा है यहाँ पे पता क्या है, तो भाई यहाँ पे बता रहे हैं कि आज मेला है यहाँ पे, संगत काफ़ी आई है तो ये पहले बुक हो रखा है। और हमने पता क्या कि भाई यहाँ पे क्या है रहने के, पीछे खुद की एक कुटिया थी, अब आगे बता रहे कि भाई 10-15 किलोमीटर के बीच में है, तो अभी यहाँ से जाएंगे भाई वहाँ पर और 1 घंटा तो कम से कम लगेगा, बस जगह मिल जाए यार, क्योंकि अभी अगर अभी नहीं रुके ना तो यार लेट हो जाएंगे और क्या पता आगे मिले ना मिले, तो अभी जा रहे हैं भाई देखते हैं, पहले रहने का जुगाड़ करते हैं। अभी टाइम हो चुका है 10:13 और तकरीबन 10 बजे भाई हमें स्टे करने के लिए जगह मिल गई थी, क्योंकि ये होटल है रॉयल हट के नाम से, यहाँ पर पहले पूछा है कि भाई ये जो पार्क है छोटा सा सुबह दिखाएँगे बाकी अच्छे से, और कि भाई इसमें आराम कर ले लेट जाए, तो भी मिल गया है साइकिल वाइकिल वहीं पे खड़ी हम आए वहीं कुछ खाने के लिए, बहुत महंगा आया। तो भाई ये रहा महंगे ऑर्डर का महंगा पराठा, मेरे लिए महंगा भाई रेट नहीं मिला हुआ क्या है, और इसके साथ 2 डब्बे और आए, एक तो अमूल बटर क्या बात, और एक ये है टॉप्स की अचार। तो भाई अभी हम आ चुके खाना खा के और अभी बस सोएंगे, अगर वीडियो एडिट हुई तो यार मेरा तो जुगाड़ बनता नहीं है कि मैं मुझे करनी है लैपटॉप में एडिटिंग, और फिलहाल फ़ोन में मेरे को इतनी आती नहीं है, तो देखते हैं अभी अगर होती है तो करेंगे, नहीं तो कल करेंगे भाई एडिटिंग, तो भी यार थकावट बहुत ज़्यादा हो चुके तो सो जाते हैं अब। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।